बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में चिकन कोरमा, स्मोकी चिकन कोरमा बना रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देख लें। 1.5 kg चिकन है, 5 tablespoon दही है, 4 ग्रीन चिली कटी हुई है, सब्स धनिया है, अदरक चौकी हुई है, और ये मैंने एक अदद अनियन था वो मैंने ऑयल में फ्राई करके उसको पीस लिया था, और ये 2 टमाटर है चॉप किए हुए। सूखे मसाले में सुर्ख दरदरी मिर्च है 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon वो नमक है, 1/2 teaspoon हल्दी है, 1 teaspoon कुटा हुआ भुना कुटा जीरा है, 1 teaspoon सूखा धनिया कुटा हुआ है, और 3 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची हैं। तो चले, मैंने जिस ऑयल में अनियन फ्राई किया था तो उसमें मैंने अब चिकन डाल के उसको पकाऊंगी। मैंने जिस ऑयल में चिकन फ्राई किया था, प्याज फ्राई किया था, तो वो निकाल के मैंने पीस के अलग रख लिया है। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला था, उसी ऑयल में मैं मैरिनेट किया, एक दिन पहले मैरिनेट किया वो चिकन डाल रही हूँ। इस चिकन को मैंने 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, और 1/2 teaspoon मैंने नमक, और 1/2 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर डाल के मैरिनेट कर लिया था। अब इसमें मैं 1 teaspoon सिरका डालूंगी। अब इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देते हैं ताकि चिकन के पानी में चिकन पक जाए। अब ढक्कन हटा लेते हैं। अब इसमें बाकी भी मसाले डाल देते हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें चॉप किए हुए 2 टमाटर, 2 सूखे मसाले, 2 अब इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढककर बंद कर देते हैं। हम अपने चिकन को देख लेते हैं। पानी ऑलमोस्ट सूख गया है और चिकन भी फ्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही में फ्राई किया हुआ अनियन चॉप करके इसमें मिक्स कर दिया है। अब इस पॉइंट पे इसमें मिला लेते हैं। देर के लिए ढक्कन लगा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल लेते हैं। और दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला जलाने के लिए रखा हुआ है जिससे इसको स्मोक देंगे।
अब थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन लगा देते हैं। हमारा चिकन बनके तैयार हो गया है। अब इसको इसमें एक गरम मसाला डालेंगे, फिर इसको डिश आउट करते हैं। आप इस पे ऑयल डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। हमारा चिकन कोरमा तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए देखने वाले हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।